हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ ही मिनटों में महत्वपूर्ण संदेश हम सभी के बीच में लेकर के आने वाले हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण संदेश देंगे। खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी साझा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और कहा है कि मैं 11:45 से 12 बजे के बीच में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके बीच में लेकर के आऊंगा। तो अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ये बड़ी और अहम जानकारी हमें दी है। तो आज सभी की निगाहें इसी पर हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक आपके बीच में पहुंचा रहे हैं और ये इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा करते हैं। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी पीएम से मिले हैं और इसके बाद अगर ये संदेश मिले तो ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होती है। तो पीएम थोड़ी देर बाद महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण संदेश में क्या कुछ होगा, ये सभी के मन में अब प्रश्न बनने लगे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोल सकते हैं, ऐसे कयास। पीएम मोदी से आज आर्मी चीफ भी मिले हैं, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। थोड़ी देर पहले सीसीएस की बैठक भी हुई और अगर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे बीच में लेकर के आते हैं तो सबके मन में सवाल यही कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ अपने इस महत्वपूर्ण संदेश में बोल सकते हैं। ट्विटर अकाउंट से जानकारी उन्होंने दी। चौकीदार नरेंद्र मोदी ये जानकारी दे रहे हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे लगभग 11:45 से 12 बजे में मैं एक महत्वपूर्ण संदेश आपके बीच में लेकर के आऊंगा। तो क्या जनता से कनेक्ट करेंगे, क्या चुनावों की बात होगी, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बात होगी, ये तमाम तरह के सवाल बन रहे हैं। लेकिन ये सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो महत्वपूर्ण संदेश हम सभी के बीच में रखेंगे। और इसलिए तमाम मीडिया में तमाम जो लोग हैं, जनता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना पसंद करती है, उन सभी के मन में यही सवाल कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे। सभी की निगाहें इसी पर बनी हुई है, इसी पर अटकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे आज। लेकिन इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोल सकते हैं क्योंकि आर्मी चीफ से मिले हैं और अरुण जेटली से भी मिले हैं, सुषमा स्वराज से भी प्रधानमंत्री मिले हैं, थोड़ी देर पहले सीसीएस की बैठक हुई है। और इसके बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा करें कि मैं थोड़ी देर बाद महत्वपूर्ण संदेश आपके बीच में लेकर के आऊंगा तो ऐसे में ये इस तरह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलने वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले जब महत्वपूर्ण संदेश ये एक शब्द जोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट पर तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। तो आज इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है और समय भी हो चुका है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार पीएम क्या बोलते हैं क्योंकि समय दिया था 11:45 से 12 बजे तक का, लेकिन अभी तक जो महत्वपूर्ण संदेश है वो आया नहीं है। लेकिन खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी दी है। क्या कहते हैं वो अपने इस महत्वपूर्ण संदेश में ये जानना होगा। और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं महत्वपूर्ण संदेश आपके बीच में लेकर के आऊंगा। चौकीदार नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे लगभग 11:45 से 12 बजे के बीच में मैं एक महत्वपूर्ण संदेश आपके बीच में लेकर के आऊंगा। हालांकि समय हो चुका है लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण संदेश नहीं। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या महत्वपूर्ण संदेश हम सबके बीच में लेकर के आते हैं।
ठीक चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी साझा करते हैं कि एक महत्वपूर्ण संदेश मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ एड ऑन कर सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जरूरी सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण संदेश हम सभी के बीच में लेकर के आएंगे। जितेंद्र चौधरी ब्यूरो चीफ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र चौधरी, खुद चौकीदार नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी साझा करते हैं कि 11:45 से 12 बजे के बीच में मैं एक महत्वपूर्ण संदेश सभी के बीच में लेकर के आऊंगा। हालांकि समय भी हो चुका है लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण संदेश आया नहीं है, तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण संदेश में क्या कुछ शामिल रह सकता है, क्योंकि सुषमा स्वराज भी उनसे मिल चुकी हैं और आर्मी चीफ भी उनसे मिल चुके हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है महत्वपूर्ण संदेश? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज नरेंद्र मोदी की तरफ से सुबह ही कैबिनेट की बैठक इसको लेकर के बुलाई गई थी। तमाम कैबिनेट के साथियों के साथ उन्होंने मुलाकात करने के अलावा अगर हम बात करें तो सुरक्षा समिति के भी कुछ सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री की तरफ से मुलाकात की गई है। और एक ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि करीब 12 बजे वो देश के नाम एक संदेश लेकर के आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इसमें कुछ विलंब नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद देश के नाम इस कैबिनेट बैठक और सुरक्षा समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ जो बैठक की है उसके बाद का जो भी मसौदा है वो देश के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इस पर बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी जितेंद्र चौधरी। हमारे साथ प्रोफेसर नैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक जेएस नैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जेएस नैन जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जेएस नैन जी, चौकीदार नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से ये कहते हैं कि महत्वपूर्ण संदेश आपके बीच में लेकर के आऊंगा। उससे पहले सुषमा स्वराज से वो मिलते हैं, आर्मी चीफ से वो मिलते हैं और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोल सकते हैं। क्या चुनावों के बारे में भी वो बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा है, वैसे तो जब तक बोला ना जाए जब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या बोलेंगे, परंतु जैसा कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है, अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, तो मुझे लगता है कि जो एयर स्ट्राइक है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं पब्लिक को, ताकि क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में वो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा प्रभाव पड़े जिससे कि बीजेपी जीत सके, तो ऐसा मैसेज देंगे। क्योंकि कल राहुल गांधी ने जो वो एक नया वो दिया है कि हम 72,000 रुपये साल में एक व्यक्ति को देंगे और 12,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो उन्होंने उसको कहा है कि हमने एक स्ट्राइक कर दी है लोगों के ऊपर, तो शायद उसके जवाब में भी कोई चीज वो कह सकते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा भी यही है इलेक्शन का और किस तरीके से बीजेपी इलेक्शन जीतेगी और उस मुद्दे को लेकर ही वो आएंगे। चाहे वो सिक्योरिटी में बोलें, कुछ भी बोलें, परंतु ऐसी बात बोलेंगे जिससे कि बीजेपी का प्रभाव पड़े और बीजेपी के वोट ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है जेएस नैन जी, क्या आपको लगता है कि क्या ये लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी की, कि जैसे ही वो कोई ट्वीट साझा करते हैं और ऐसे में सभी की निगाहें उस पर बन जाती है कि आखिरकार क्या कुछ बोलने वाले हैं, तो क्या वाकई लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी के सभी के बीच में? ये ऐसा नहीं है, वास्तविकता ये है कि जब भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है। मुझे याद है कि जब ये आता था कि इंदिरा गांधी आज बोलेंगी या अटल बिहारी वाजपेयी आज बोलेंगे, और हम उस समय रेडियो होता था, रेडियो के सामने बैठ सकते थे कि कोई इम्पोर्टेंट संदेश आएगा। ठीक है, तो आज भी वही चीज है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब भी बोलता है वो देश के लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात ही बताता है, तो उसके संदेश को सब सुनना चाहते हैं, तो इसलिए ये उनकी एक पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की कि जिसकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो तो ये जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी हो, कि नरेंद्र मोदी जो बोलता है उसको सुनते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर मैं देख रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री के समय से लेकर, जब भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो रेडियो पे आते थे या टीवी पे आते थे तो लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक होते थे, वो जानना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है। परंतु आप ये, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बोला नहीं है, बोलने के बाद ही पता लगेगा, परंतु मेरा यही है कि देश की सिक्योरिटी के बारे में वो शायद कुछ ना कुछ बोलेंगे और एयर स्ट्राइक के बारे में बताएंगे कि एयर स्ट्राइक में कितने लोग मरे हैं, या अभी वो था कि बर्मा में भी कुछ जो है आतंकी कैंप जो है ना उड़ाए गए उन्होंने और काफी नुकसान वहां पर आतंकवादियों को किया गया, उस पर भी ये बोल सकते हैं। ठीक है जीएस नैन जी, क्या एक बिंदु ये भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बकायदा टाइम भी लिखा अपने इस ट्विटर अकाउंट पर कि 11:45 से 12 बजे के बीच में मैं महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आऊंगा। हालांकि समय बहुत बीत गया है लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण संदेश नहीं आया, क्या ऑन टाइम नहीं है नरेंद्र मोदी, ये भी कहा जा सकता है?
आप हैं हमारे साथ जीएस नैन जी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ बने हुए थे, ब्यूरो चीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं, क्या कुछ उस संदेश में शामिल रहने वाला है ये देखना होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा जीएस नैन भी कहते हुए नजर आए, तो ऐसे में सभी के बीच में ये प्रश्न उठते हैं कि आखिरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण संदेश होगा। पीएम मोदी थोड़ी देर बाद महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं, इस महत्वपूर्ण संदेश में क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम आपको बता चुके हैं कि सुषमा स्वराज उनसे मिली है, अरुण जेटली उनसे मिले हैं, थोड़ी देर पहले सीसीएस की बैठक हुई है और आर्मी चीफ भी मिले हैं। तो ऐसे में सीधा सा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पीएम मोदी बोल सकते हैं, जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके ऊपर भी बोल सकते हैं पीएम मोदी, क्योंकि विपक्षी तो लगातार निशाना साध ही रहे हैं कि बीजेपी के पास अब सीधा सीधा एक मौका हो गया है कि वो एयर स्ट्राइक पर राजनीति कर रहे हैं और उसी को लेकर के चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी बीजेपी। लेकिन अब ये देखना होगा कि महत्वपूर्ण संदेश में क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। आज सवेरे लगभग 11:45 से 12 बजे में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आपके बीच में आऊंगा, लेकिन अभी तक कोई जानकारी है नहीं है। और चौकीदार नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी सभी को देते हैं, तो ऐसे में सभी की निगाहें इसी पर अटकी हुई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण संदेश क्या देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आपके बीच में आऊंगा। उस महत्वपूर्ण संदेश में क्या कुछ हो सकता है शामिल, ये अभी जानना बाकी है। तो चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, तो जनता के लिए क्या कुछ लेकर के आएंगे, देश के लिए क्या कुछ बोलेंगे और तो दुर्गेश पांडे हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश पांडे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब चौकीदार नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा करते हैं कि 11:45 से 12 बजे के बीच में मैं महत्वपूर्ण संदेश आपके बीच में लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण संदेश आया नहीं है, तो क्या एक पॉइंट ये लिया जाए कि नरेंद्र मोदी ऑन टाइम नहीं है? ट्वीट किया है कि वो कोई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी ये जानकारी काफी अहम होगी, क्योंकि आज सुबह ही सीसीएस की भी मीटिंग हुई है, आर्मी चीफ भी प्रधानमंत्री से मिले हैं, और आज सुबह जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के प्रभारी हैं राम माधव, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने आतंकवाद को लेकर कई बातें कही थी और उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आतंकवाद को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। और इधर बीते दिनों में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने आतंकवादियों और अलगाववादी संगठनों पर काफी कड़ी कार्रवाई की है, JKLF को बैन कर दिया गया और उसके बाद हुर्रियत के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई है और सरकार ने उनकी सिक्योरिटी तक हटा ली जो भी अलगाववादी नेता है। तो इसके मद्देनजर यह माना जा सकता है कि एक बार फिर से राष्ट्रवाद के मुद्दे को चुनाव में पुनर्जीवित करने की कोशिश एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि पिछले एक दो दिनों में राहुल गांधी ने न्याय की जो बात की, जो उन्होंने एक स्कीम की बात की कि उनकी सरकार जब आएगी तो हर किसी के लिए 12,000 रुपए की मिनिमम इनकम की गारंटी देंगे, तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जब इलेक्शन को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का यह कदम फिर से चुनाव को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही ले जाने के लिए हो। ठीक है, क्योंकि बीते दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार आतंकवादियों पर सरकार का रुख सख्त रहा है और कई सारी चीजें सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं आतंकवादियों के खिलाफ और अलगाववादी नेताओं के खिलाफ, जिनको लेकर सरकार की सख्ती देखी गई है।
और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एयर स्ट्राइक को लेकर भी प्रधानमंत्री कोई बात कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है, ये कयास लगाया जा रहा, कोई नई और बात निकल के सामने आ सकती है, क्योंकि कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि भारत कोई और दुस्साहस कर सकता है, यानी कि उधर भी डर का माहौल है पाकिस्तान में, और इधर भारत में जब चुनाव है तो यह माना जाता है कि बीजेपी अगर चुनाव लड़ना चाहती तो राष्ट्रवाद के मुद्दे को बीजेपी ने हमेशा से प्रमुखता दी है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर हमेशा से प्रोजेक्ट करती रही है, और यह दिखाती है कि दूसरी जो पार्टियां हैं विपक्ष में, जो भी पार्टियां हैं, वो आतंकवाद हो या सेना से जुड़े मुद्दे हो या दूसरी और भी चीजें जो देश की सिक्योरिटी के लिए हैं, उन पर ढुलमुल रहा अपनाने का ये दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा दी रही है। ठीक है दुर्गेश, जिस तरह से राहुल गांधी ने गरीबों के लिए बोला है कि हम गरीबी हटाएंगे, और उससे पहले इंदिरा गांधी भी जब अपने कार्यकाल में बोलती है कि गरीबी हटाओ, तो ऐसे में मौजूदा जो बीजेपी के और भी नेता है वो लगातार यही कह रहे हैं कि एक ही नारा रहा है, गरीबों को सिर्फ नारे दिए जा रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया जा रहा, तो क्या ऐसे में लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अगर लगता है कि जनता कहीं ना कहीं उनके इस झांसे में आ ना जाए, तो क्या लगता है कि पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं? कीर्ति, राहुल गांधी का कि ये बात जो गरीबी हटाएंगे नहीं हटाएंगे, ये तो जनता को फैसला करना कि ये झांसा है या सही है। ठीक है, गरीबी हटाने की बात तो इस देश में हमेशा से होती रही है, चुनाव गरीबी के मुद्दे पर भी लड़े जाते रहे हैं। 1970 में जब चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाने का नारा दिया था, लेकिन गरीबी अभी भी बनी हुई है, और यह ऐसा मुद्दा है जो इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। सिर्फ नारे से गरीबी नहीं हट सकती है देश की, उसके लिए काम भी करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक नई बहस जरूर राहुल गांधी ने पूरे देश में यह छेड़ दी थी कि क्या प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो पिछले दिनों कदम उठाए, जैसे किसानों के लिए पैसों की घोषणा की गई कि एक जो गरीब किसान है, छोटे किसान है, उनको सरकार आर्थिक मदद देगी, फिर से जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, पीएम आवास योजना, जैसे कई सारे ऐसे स्कीम ये सरकार चला रही है, ऐसा लग रहा था कि ये राहुल गांधी का एक कदम उस सरकार की इन योजनाओं की काट के तौर पर हो सकता है। तो एक एक नया मुद्दा, एक नई बहस तो देश में छिड़ी गई थी इस बात को लेकर कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पर बीजेपी पर लीड ले लेंगे, लेकिन अब आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी ऐलान करने वाले हैं, ये माना जा रहा है कि ये राष्ट्रवाद पर होगा और फिर से चुनाव को राष्ट्रवाद की तरफ ले जाने की कोशिश होगी, क्योंकि आज सुबह से जो घटनाक्रम रही है और सीसीएस की मीटिंग हुई, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, आर्मी चीफ ने पीएम से मुलाकात की, और अभी एक और बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान करने वाले, यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष की भी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम पर है कि प्रधानमंत्री आखिर क्या करने वाले हैं। दुर्गेश, जिस तरह से सीसीएस की बैठक हुई, आर्मी चीफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, और इस पर कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, और उसके बाद भी जब एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद भी लगातार विपक्षी जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमें सबूत चाहिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी मात्रा में आरडीएक्स आखिरकार इकट्ठा कैसे हुआ। तो क्या आपको लगता है कि इन सब बातों पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवाब दे सकते हैं? कीर्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बोलेंगे, ऐसी कयास, यही कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन आया है, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके जो अपना रिएक्शन दिया, उससे यही लगता है कि आतंकवाद का मुद्दा अहम रहने वाला है, क्योंकि आतंकवाद सीधे सीधे कश्मीर से जुड़ा मुद्दा है। तो और सुबह, आज सुबह ही राम माधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें उन्होंने महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कश्मीर से जुड़े हो या कश्मीर से दूसरी जगहों से जुड़े हो या कांग्रेस के जो भी नेता हैं, उन पर आतंकवाद को लेकर सीधे सीधे निशाना साधा, और ये बात उन्होंने कही कि ये पार्टियां कांग्रेस आतंकवाद को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाती रही हैं। और अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद और आतंकवाद पर बोलते हैं, तो ऐसे में फिर से विपक्षियों को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा और वो यही कहेंगे कि लगातार एयर स्ट्राइक पर या फिर सेना पर राजनीति करती है बीजेपी। क्या लगता है मौका मिलेगा विपक्षियों को दोबारा?
कीर्ति, बीजेपी साफ खुल के ये बात कहती है कि वो राष्ट्रवाद की बात करती है। कई नेताओं के इंटरव्यूज में या बातचीत में आप देख सकते हो, साफ तौर पे कहते हैं कि राष्ट्रवाद को बीजेपी अपना मिशन बताती है। तो वो कभी इस बात से गुरेज नहीं करते या इसको लेकर डिफेंसिव कभी नहीं हुए हैं बीजेपी के नेता कि राष्ट्रवाद का मुद्दा गलत है या सही है। वो हमेशा से कहते हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हमारे लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, और वो तो यहां तक कहते हैं कि राष्ट्रवाद उनके लिए एक मिशन है। तो इस मुद्दे पर विपक्ष क्या कहता है, इससे बीजेपी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राष्ट्रवाद को बीजेपी एक अपना अहम हथियार बना के रखती है। और आपने देखा होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त भी 5 राज्यों में देश के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई और एक तरीके से पूरा माहौल बन गया था, और उस समय भी जो चुनाव लड़ा गया वो भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही था। और अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एयर स्ट्राइक जो हुई है उसको लेकर भी एक राष्ट्रवाद की नई बहस छिड़ गई थी कि क्या बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो इस तरीके का काम कर सकती है। तो बीजेपी हमेशा से ऐसी चीजों को अपना हथियार बनाती रही है। तो चुनाव में राष्ट्रवाद बनाम ठीक है, हो सकता है अमीर गरीब के मुद्दे को नई धार देने के लिए प्रधानमंत्री की आज जो ऐलान करने वाले हैं, जो भी बात करने वाले हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। और बिल्कुल मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गौरव पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव पांडे, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि महत्वपूर्ण संदेश वो सभी के बीच में लेकर के आ रहे हैं, तो क्या आपका इस पर रिएक्शन, क्या आपको लगता है कि क्या कुछ महत्वपूर्ण संदेश पीएम लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ये कयास तो लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोल सकते हैं। कीर्ति, सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं इस वक्त तक, क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वो दरअसल किस बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक ट्वीट करके उन्होंने माहौल तो बना ही दिया। आप देखिए, मैं न्यूज रूम में बैठा हूँ और सारे चैनल्स हम देख पा रहे हैं, हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर है, 2 मिनट बाकी, 1 मिनट बाकी, आधा मिनट बाकी, और ये जो माहौल। और बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए मेरा ये सवाल बना था कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है कि जैसे ही वो कुछ भी कहते हैं तो वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। आप इसको लोकप्रियता भी कह सकते हैं और इसको बीजेपी की मैनेजमेंट का हिस्सा भी मान सकते हैं, क्योंकि